और अभी हम जा रहे हैं ना वोटिंग वाले, तो जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं किया है वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम तब तक वोट डाल के आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं, हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। चलो और जैसे ही मैं बाहर निकली ना तो कैमरा ऑन था, उसकी लाइट चल रही थी, भैया बोला मामी लाइट जल रही है, फिर मैंने कैमरा ऑफ किया। और फिर रास्ते में जा रहे थे, थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिए थे, क्योंकि ना रास्ते में चलते हुए वीडियो बनाओ तो अच्छा नहीं लगता, शर्म लगती है। हमने खुशी से कहा बना लो, तो वो बना ही नहीं रही थी, क्योंकि वो पकड़े थी ना तो अच्छे से दिखाई नहीं रही थी। फिर मैंने उनके हाथ से ले लिया, तो आप देख सकते हो मैं बाहर निकलती हूँ तो कितना घूंघट करती हूँ, घर के अंदर चाहे जैसे रहूँ मैं, बाहर निकलते हैं तो घूंघट करते हैं। देखो मुस्कान खुशी चल रहे हैं, हम लोग वोट डाले आए हैं, देखो निशान लग गया है, मुस्कान को लगा है, मुस्कान आज ना फर्स्ट टाइम डाली है वोट, और खुशी भी डाल के आए हैं, खुशी तो 16 साल की हैं, फिर भी इनकी भी वोट पड़ गई। जब गेट से जा रहे थे ना तो एक पुलिस वाला रोक लिया, बोला कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा टिकट है देखें, तब ये पर्ची दिखाएं, अपना आधार कार्ड दिखाएं, तो घर जाने दिया, तो समझ रहा था शायद फेक ना हो, तो सब चीज़ था ना, तो खुशी और चलोनी दोनों का पड़ गया। और खुशी दिखावा के तुम भी अपना निशान इधर आओ ना, आ जाओ दिखाओ मुस्कान, हम तीनों लोग का वो पड़ गया, जब जिसको डाला है वो जीत जाए तो अच्छा है। अब किसको डाला है कलर से आप लोग पहचान रही है, ये देखो मेरे बाबू पेंसिल लेके दिखा रही हैं, इनको ना इनको वीडियो बनाने का बहुत शौक है, जब बनाने बैठो ना तो ये जरूर आएंगी, बोलेंगी मम्मी मेरा वीडियो बनाओ ना बाबू, तो हमारी वीडियो में और बने रहिएगा आगे। हम सब लोगों ने और डाला है, अभी देखो मोबाइल में कुछ देख रहे थे, अभी शाम हो गई थी तो ये लोग जाओ बैठ के मस्ती कर रहे थे ना, तो छोटी बिटिया बोल रही थी दीदी चलो, कि मुस्कान जा नहीं रही थी, उनको भी ना ये बाबू को बहुत ब्लैक उससे बोल रहे हैं कि मुझे पुच्ची दो पहले, तो ये देखो पुच्ची दे रही है बाबू, अब बोल रही है उठो, तो बोल रही है उठाओ, फिर ये बोली चलो हम ले लें, तो बोल रही नहीं हम अपनी खुशी के साथ जाएंगे, तुम भी ले लो, इनको कुछ मिले या ना मिले, मैं मिलूं या ना मिलूं, पर खुशी मिलनी चाहिए बस। अब फिर जब ये खुशी के पास आ जाते हैं ना, खुशी जो बोलती है वही बोलेगी, जो मुस्कान को सिखाएगी कि मुस्कान को ये बोलो, तो मुस्कान को वही बोलती है जो खुशी सिखा देगी। उनसे बोल रही थी उतर आओ नीचे चलो, क्या तुमको पालकी मंगानी पड़ेगी क्या, पालकी पे चलोगी, और वो लोग छत पे चले गए। तो ये बाबू ना ये मोबाइल में देख रही थी सलोनी के साथ, ये बहुत मोबाइल देखते हैं क्या करें इनका। और बृहस्पति का दिन था तो बाज़ार का दिन था, और वोटिंग की वजह से ना बाज़ार नहीं लगी है अभी, हल्की फुल्की लग रही है क्योंकि 5 बजे के बाद ही बाज़ार लगी थी थोड़ी। और ये जो 4-व्हीलर खड़ी है ये पुलिस वालों की है, क्योंकि यहाँ पे खड़ी कर दी है, थोड़ा सा आगे जाकर ना भूत बने हुए कई जी के टिकट विकट वो पर्ची मिल रही थी ना, तो वहाँ पर देख रेख कर रहे थे कि कहीं झगड़ा वगड़ा ना हो जाए। और ये मुस्कान ने बनाया है नाश्ता, नाश्ते में बना था पराठा और मैक्रोनी पास्ता, तो पराठा बहुत ही टेस्टी था, मुस्कान के पापा को नहीं पसंद आया, क्योंकि ना जो कभी इनके मन में कुछ आता है तो बना लेती हैं, तो ये प्याज का पराठा बनाई थी, और मुझे तो अच्छा लगा था, मुस्कान को भी अच्छा लगा, मुस्कान के पापा और सलोनी को नहीं अच्छा लगा। और ये पास्ता, क्योंकि पास्ता से ज़्यादा टेस्टी था पराठा, तो आप लोग भी खा लीजिए आकर फ्रेंड, पास्ता पराठा और चाय। दोपहर का टाइम था तो आज का ये वीडियो है तो बहुत सन्नाटा है, कल तो दुकान बंद थी सारी, तो आप लोगों ने देखा ही है आगे,
और आज दुकान खुल गई है, मार्केट खुली हुई है, लेकिन धूप की वजह से ना बहुत सन्नाटा है। और मैं खड़ी हूँ गेट पे कि कुछ लोग आ जाएँ तो गेट खोल दें, लेकिन ना जब इंतज़ार करो ना तो नहीं आएंगी जल्दी, और जब ना इंतज़ार करो तो आ जाएंगी जल्दी। आज मुस्कान थी ना तो सब लोग फ्री में थे, देखो खैर आ गई, करीब आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद ही आई। कितना लेट है आप? तो मुस्कान पूछ रही थी इतनी लेट क्यों हुई, तो बोल रही कि सलोनी को आने में लेट हो जाता है। अब भैया कुछ बोलने लगे तो भैया से बात करने लगी सलोनी, क्योंकि ना भैया ना भड़काने लगते हैं फिर एक दूसरे के खिलाफ ना भड़काएंगे, सलोनी को मुस्कान के खिलाफ, मुस्कान को सलोनी के खिलाफ, तो भैया चलता रहता है। अब हम मुस्कान गेट बंद कर ले रही, इसमें ताला लगा लेंगे, क्योंकि मेरी छोटी वाली बिटिया बाहर निकल जाती है, अगर ताला ना लगाओ ना चैनल तुरंत खोलेगी। ये वीडियो हमारा कल का था, हम कल एडिट नहीं कर पाए थे, आज एडिट किए हैं। और मुझे ना थोड़ी थोड़ी सर्दी भी है, परसों से थोड़ा थोड़ा जुकाम था, और आज ना जब उठे तो मेरा गला एकदम से खराश बहुत ज़्यादा थी, जब उठे तो बहुत खांसी आ रही थी, अब तो खैर थोड़ा सही है। हम वीडियो का एंड किए नहीं थे तो हमने सोचा चलो आज इसको एडिट करके एंड कर देते हैं। अगर हमारा वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, जो न्यू लोग हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को जाके, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और जो मुझे बोलने में कोई दिक्कत आई हो ना अगर पूरे वीडियो में तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि ना मेरा गला बहुत बैठा हुआ है, क्योंकि आवाज़ साफ नहीं निकल रही है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।